आपको सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके पूरी डिटेल से हम जानेंगे कि सेंटेंस में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं सेंटेंस के बारे में, जो इसको कहते हैं हिंदी में वाक्य। तो व्हाट इज सेंटेंस, तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि क्या कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, मतलब जिसका पूरी तरह से अर्थ निकलता हो, जिस शब्दों को हम लोग ऐसे अरेंज करें जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वो वाक्य कहलाता है। जैसे आई लाइक आइसक्रीम, इसका मतलब मुझे निकलता है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, लेकिन लाइक आई आइसक्रीम, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड के ऐसे समूह को अरेंज करना जिससे कुछ उसका अर्थ निकले, वो सेंटेंस कहलाता है। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस हैज टू पार्ट, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जैसे कि राम इज गुड बॉय, मतलब इसमें राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना बेटा, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज अ गुड बॉय मतलब कि ये हो गया प्रेडिकेट, मतलब ये जिसके बारे में बताया गया। द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, सब्जेक्ट की डेफिनेशन यही है कि किसके बारे में क्या बताया जा रहा है, वो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। प्रेडिकेट क्या होता है, द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, तो ये इज गुड बॉय, ये इसके बारे में बता रहा है, ये प्रेडिकेट हो गया। सीता इज गुड गर्ल, ये उसके बारे में जो बता रहा हो वो प्रेडिकेट कहलाता है। सेंटेंस के पांच प्रकार होते हैं। काइंड्स कितने होते हैं, फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस का काइंड है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो चीजें फिक्स हैं, मतलब फैक्ट हैं। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, मतलब सन जो है ईस्ट से ही निकलता है, ठीक है। और ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, यानी कि उसको नकारा नहीं जा सकता, जो चीज फिक्स है, पक्की है, ठीक है। जैसे काउ गिव अस मिल्क, मतलब काउ हमको मिल्क देती है, ऐसे वाक्यों को हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए असर्टिव और डिक्लेरेटिव के। दूसरी प्रकार होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि आस्किंग क्वेश्चन, यदि प्रश्नवाचक वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, आपसे यस और नो टाइप के क्वेश्चन पूछना है, या फिर आपसे पूछना चाहते हैं आपके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो आपको पूछ रहे हैं आपका नाम, और जैसे कि यस और नो, जैसे कि विच इज योर फेवरेट कलर, तो ये भी एक व्हाट इज योर फेवरेट कलर भी हो गया, ये भी एक प्रकार का ही आस्किंग क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है। लेकिन जैसे कि विच ड्रेस इज यू लाइक मोस्ट, रेड और ब्लू, मतलब इसमें आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं, यस और नो बताना है कि कौन सा है, रेड बताना है या ब्लू बताना है, ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही ये सब चीजें वाक्य आते हैं। आगे आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, मतलब किसी चीज में हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लीज गिव मी सम वाटर, मतलब यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कमांड के अंदर गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं, जिसके अंदर कमांड आए या रिक्वेस्ट आए, ऐसे वाक्यों को हम लोग कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब इसमें बताया जा रहा है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जब हमारे इमोशंस बहुत ही ज्यादा हावी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा व्यक्त होते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्य को। जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, इस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब वाओ व्हाट अ मैच, मतलब व्हाट अ फिल्म, ये क्या हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर, जिसके अंदर हमारे इमोशंस जो हैं हाई वो प्रकट होते हैं, इसके लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन वाओ वी वॉन द मैच, ये वाओ वी वॉन द मैच, इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन हम लोग लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। आगे आता है पांचवा काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी को कोसने का काम करते हैं, या फिर प्रार्थना करते हैं, या फिर किसी की इच्छा प्रकट करते हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर है, ये स्टार्ट कैसे होते हैं, विथ मे एंड विच, मे आई हेल्प यू, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसे वाक्यों को
हमेशा जो नॉर्मली मे से शुरू होते हैं और एंडिंग में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लग जाता है, ठीक है, ऐसे वाक्यों को एक्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है।